हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर निखिल है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं यशोदा हॉस्पिटल में काम करता हूँ और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट कैंसर्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है किडनी कैंसर। लोगों को काफ़ी सारे इसके एक पर्टिकुलर कैंसर के ऊपर काफ़ी सारे उनके मन में डाउट्स रहते हैं। इसके बारे में मैं कुछ आज बात करने की कोशिश करूँगा। किडनीज का कैंसर ये जो होता है, ये टिपिकली कुछ पेशेंट्स में जिनको सिगरेट नहीं तो तंबाकू का कोई सेवन का हिस्ट्री रहता है, ऐसे लोगों में काफ़ी कॉमनली हो सकता है। पुरुषों में ये कैंसर थोड़ा कॉमनली होता है। जैसे अपना वय और उम्र बढ़ता है, वो टाइम पे ये कैंसर का रिस्क और बढ़ने की संभावना होती है। कुछ महत्व के कारण है जिससे ये कैंसर का रिस्क लाइफ में बढ़ सकता है। ये कैंसर के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। एक पहला लक्षण मतलब यूरिन नहीं तो पेशाब में खून आना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसको लक्षण बोल सकते हैं। कुछ पेशेंट में ये पहला सिम्टम हो सकता है, पहला लक्षण हो सकता है। कभी कभी ये पेशाब का कलर चेंज हो सकता है, कलर बदल सकता है, जिसमें कलर कभी रंग जैसे बोलते हैं कलर थोड़ा सा पिंक हो सकता है, कभी कभी एकदम से डार्क ब्राउन भी होने का संभावना हो सकता है। कुछ पेशेंट्स कमर में दर्द ऐसा भी लक्षण लेके अस्पताल में आते हैं। कुछ पेशेंट्स को बुखार रहता है कि जिसका कोई तुरंत कारण पता नहीं चलता है, एंड आगे में कुछ टेस्ट के दौरान ही पता चलता है कि पेशेंट को किडनी कैंसर है। वजन कम होना, काफ़ी सारी थकान, ये सब किडनी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, बट ये सब कॉमन लक्षण नहीं है। कॉमन लक्षण तो पेन और पेशाब में खून है, इम्पॉर्टेंट लक्षण हो सकते हैं। यह कैंसर क्या निदान कैसे करते हैं? सो नॉर्मली इसमें से दो इम्पॉर्टेंट बोलते हैं परीक्षा होती है। इसमें से एक परीक्षा जिसका नाम है बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी मतलब एक छोटा सा ट्यूमर का एक छोटा सा सैंपल, एक पीस निकाल के टेस्टिंग के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ता है, जिससे पैथोलॉजिस्ट निदान देता है कि ये कैंसर है कि नहीं। एक छोटा सा सुई द्वारा एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं, जिससे ये बीमारी कन्फर्म हो सकती है। कुछ स्कैन्स भी करने पड़ते हैं ये पेशेंट्स के लिए, जिनमें हम सीटी स्कैन नहीं तो एमआरआई और पेट स्कैन, इन टेस्ट और इन सुविधाओं के अनुसार ये कैंसर का निदान में और मदद होती है। और कैंसर का जो स्टेज रहता है, कैंसर के चार स्टेजेस रहते हैं, ये स्टेजिंग के लिए ये टेस्ट में काफ़ी हमें मदद मिलती है। किस तरह से पेशेंट्स का इलाज होता है ये किडनी कैंसर पेशेंट्स का? जब तक स्टेज 1, 2 और 3 के आसपास पेशेंट्स है, ऐसे पेशेंट्स को कंप्लीट पूरी तरह से क्योर करने के लिए कोशिश की जा सकती है, जिसमें सर्जरी ये मेन ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी मतलब वो पूरा बीमारी निकालना, बीमारी के साथ कुछ पेशेंट्स का कंप्लीट किडनी निकालना पड़ता है, कुछ पेशेंट्स का पार्ट ऑफ किडनी मतलब पूरा कुछ किडनी बचाया जा सकता है। सो ये नए नए टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक्स के हिसाब से काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आ चुका है, काफ़ी सारा नए नए तकनीकें आ चुकी है, जिससे पेशेंट का लाइफ भी अच्छा हो रहा है, किडनी का फंक्शन भी बचा जा सकता है, ये नए सर्जरी से संभव हुआ है। चौथे स्टेज वाला जो कैंसर रहता है किडनी कैंसर, जिसमें क्योर की संभावना कंप्लीट पूरी तरह से नॉर्मल होने की संभावना कम रहती है, ऐसे पेशेंट का भी उनका उम्र काफ़ी सालों तक हद तक बढ़ाया जा सकता है। काफ़ी सारे नए नए सुविधाएं मेडिसिन्स आ चुके हैं ये पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिसमें कुछ टैबलेट्स की ट्रीटमेंट जैसे जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी, कुछ पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी जिसमें बॉडी का प्रतिकार शक्ति को और उसको बुलंद बना के उसमें से पेशेंट का और इलाज किया जा सकता है। तो ये सारी तकनीकें अभी साइंस में मौजूद है, इसके कारण पेशेंट का लाइफ काफ़ी बेहतर हुआ है पहले से। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीना, सिगरेट का सेवन, इससे ये कैंसर का काफ़ी एसोसिएशन और क्लोज रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये हिसाब से मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग से सिर्फ किडनी कैंसर ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे कैंसर का रिस्क लाइफ में बढ़ सकता है। थैंक यू।